Assalamu alaikum, my name is Mirza Zuhair Beg and you are watching my channel. Today I'm going to explain the next topic of the amphibian. So first of all, I'm like to explain the evolutionary pressure related to the amphibians and different kind of skeleton system or structures that are present in the body of amphibian. So first of all, I start with the name of Allah Almighty, Bismillah Rahman Rahim. हमारे पास जो है evolution pressure जो है उसको अगर study करें amphibians के case में तो amphibians हम जानते हैं ऐसे organisms हैं, organism का वो group है जो fresh water और land यानी पानी और खुश्की दोनों जगहों पर survive करने वाले organisms हैं. और चूंकि ये दोनों जगहों पर survive करते हैं, अगर हम fresh water amphibians की बात करेंगे, जब ये fresh water में होते हैं तो तब इनके अंदर body के अंदर structures क्या करती हैं, तो उसमें fresh water के अंदर body को buoyancy मिलती है पानी के अंदर जो है, और उसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर सकते हैं. सेम ऐसी लैंड के ऊपर जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ रेजिस्ट करती है उनकी वर्टिकल कॉलम जो है, और गैसेस एक्सचेंज होती है विद द एयर. तो कोई बड़ा फर्क नहीं होता कि उन्हें फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में रहने में कोई प्रॉब्लम फील हो. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन हमारा मेन टॉपिक होगा इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन में. तो स्किन जो है इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन है. रोल ऑफ स्किन क्या होती है? स्किन बेसिकली द आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बॉडी की, उसे स्किन बोलते हैं. और बहुत सारे रोल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि स्किन के क्या रोल है इन केस ऑफ एम्फीबियंस, like salamander, like sicilians, like in case of frog and toads. So the skin protect the body, the organism from the microorganism, protect against the UV light, desiccation, and mechanical injury. So these are the different factors that can damage the body of amphibian, but the skin play a protective role. Next one is the this skin is also play the role in the gas exchange, thermoregulation, absorption and storage of water. तो ये काम जो है ये सारे के सारे स्किन के थ्रू होते हैं, स्किन इसे प्रोटेक्शन देती है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्किन के ग्लैंड्स, विच काइंड ऑफ ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ स्किन. सो इसकी स्किन के वाले से बात याद रखिएगा कि चूंकि इसके आगे हम रिप्टाइल्स पढ़ने हैं, देन बर्ड्स पढ़ने हैं, मैमल्स पढ़ने हैं, तो इनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स स्किन, बिकॉज उनके अंदर स्केल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं. सो देर इज नो फीदर्स, देर इज नो स्केल, देर इज नो हेयर्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ amphibians. So there is but the skin is highly glandular. So which kind of role played by these glands? There are the multiple roles that you can see here. First of all, these glands secrete the sticky secretions that protect the body. The second one, it keeps our skin moist and prevent from dying. And it also produces the different sticky secretions that is helpful for the mating process when a male attached with the female during the amblyopsis condition, especially in case of frog and frogs, male and female frog. So it also produces the different toxic chemicals jo hai wo produce karte skin se, jo hai wo skin jo hai उसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ की स्ट्रक्चर जैसे कि टोड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो वार्टी होती है और उसमें एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होती. लेकिन कुछ ज़्यादातर जो है जैसे सिलेमेंडर देख लें या फ्रॉग देख लें, उनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है. इसी तरह ड्राइनेस होती है स्किन के अंदर, सैंड पिपरी जैसे रेगमार होता है, रेगमार की तरह जो है वो स्किन होती है कुछ की, जैसे कि टोड मैंने एग्जाम्पल दिए. और इसी तरह डेपोजिशन भी हो सकती है सम टाइम जो है वो कैरेटिन प्रोटीन की. सो व्हाट डू यू से अबाउट द नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज अबाउट द कलरेशन इन दीज ऑर्गेनिजम्स. अगर आप इस डायग्राम की तरह देखें तो यहाँ पे टोड नजर आ रहे हैं और टोड के ऊपर ये स्मॉल पिट्स, स्मॉल जो है वो प्रोट्यूबरेंसेस जो है वो प्रेजेंट है, और इसके अंदर आपको रेड कलर नजर आ रहा होगा बिकॉज द सबस्ट्रेटम कलर इज रेड और ब्राउनिश कलर. सो दैट्स व्हाई जो है ये जो है इसके ऊपर ये कलर शो हो रहा है, ये मिमिक करने के लिए हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स आर द कलर पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द डर्मिस एंड एपिडर्मिस ऑफ द एम्फीबियंस. देर आर द मल्टीपल रोल ऑफ क्रोमेटोफोर्स. व्हाट काइंड ऑफ रोल प्लेड बाय दीज क्रोमेटोफोर्स? क्रोमेटोफोर्स जो है वो स्किन को स्किन जो है उसको देखें तो कलर चेंजेस के वाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्किन को डाई करते हैं, डाई मीन कलर देते हैं, और ये जो है ये कलरेशन जो है वो क्रिप्टिक कलरेशन देती है. देयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलरेशन शोन बाय दीज एम्फीबियंस. फॉर एग्जांपल क्रिप्टिक कलरेशन, अपॉस्मेटिक कलरेशन एंड मिमिक्री कलरेशन. व्हाट डू यू से अबाउट क्रिप्टिक कलरेशन? वो होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी स्किन के ऊपर वो कलर शो करता है, दैट इज अ वार्निंग फॉर द अपोजिट organism. The second one is a posmetic coloration in which an organism match with the habitat. When it match with the habitat, it can prevent themselves from the
प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर अटैक. सो प्रीडेटर के लिए ये ब्लर हो जाता है और इस तरह ये नजर नहीं आता, जिसकी वजह से इसके स्पॉट करना मुश्किल होता है प्रीडेटर के लिए. मिमिक्री मैच विद द अदर एनिमल, किसी और एनिमल के साथ इसकी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मिलती है. इसी तरह इसकी स्किन देखें, ये स्किन, इसके मसल देखे गए और मसल्स के अंदर देयर आर मल्टीपल क्रोमेटोफोर्स, ये सारे के सारे कलर पिगमेंट्स हैं और इन सारे कलर पिगमेंट्स को हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं. यही वो कलर पिगमेंट्स हैं जो स्किन को कलर दे रहे होते हैं. सो दिस इज टोटली अबाउट द ग्लैंडुलर स्किन और द रोल ऑफ क्रोमेटोफोर. द नेक्स्ट वन इज द सपोर्ट एंड मूवमेंट. What do you say about support? Support, that means resistance against gravity. But in case of aquatic habitat, it related with the buoyancy. Buoyancy is uchhal ki, wo jiski wajah se jo hai ye jandar ye animals jo hai wo पानी के सरफेस पे भी इजीली आ सकते हैं. रोल ऑफ स्केल्टन फिशेस जो है, फिशेस के अंदर स्केल्टन का बहुत सा रोल है, जैसे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसका स्केल्टन जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल्स अटैच करती है, कोलैप्सिंग ऑफ द बॉडी से बचाती है, खासतौर पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कोलैप्स होने से बचाता है. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जैसे कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और ये सारे जितने भी टेरेस्ट्रियल खुश्की पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर खास तौर पे सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट, दैट मीन अगेंस्ट ग्रेविटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी जो है हर चीज को अपनी तरफ खींच दी है. तो ये जो सपोर्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड. सो एम्फीबियन स्केल्टन इज डिवाइडेड टू टू डिफरेंट divisions. The first one is the axial skeleton, the second one is the appendicular skeleton. What do you say about axial skeleton? Axial skeleton jo hai wo skull pe mushmil hai, vertebral column hai, some cases in sternum jo hai wo present hoti hai, is tarah jo hai wo ye main axial skeleton hai. Axial skeleton inki skull jo hoti hai wo flat hoti hai, zara choti hoti hai as compared to the fishes, aur ye lighter in weight hoti hai, jitni lighter hogi utni zyada aasani se bear kar sakte hain apna weight aur aasani se move kar sakte hain, locomotion kar sakte hain. वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हाईली डेवलप होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है और बॉडी को जो है वो कोलैप्सिंग होने से बचाता है वर्टिब्रल कॉलम जो है, और मेनली सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम ही होता है. तो इसमें जाएगा एपोफाइसिस, द बर्ड ईच वर्टिब्रा है द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज जाइगोपोफाइसिस. ये सपोर्टिव प्रोसेस होते हैं कि जहाँ पर दूसरा नेक्स्ट वाला वर्टिब्रा जो है वो फिक्स होता है और वो आपस में इंटरलॉक नहीं होता, वो कोलैप्स नहीं होता. सो दिस इज टोटली अबाउट द vertebral column. The next one is the division of the vertebral column. The first one is the neck vertebra. Inki bhi neck mein vertebra hote hain aur neck vertebra mein khas taur pe atlas jo hai wo prominently hota hai. Khas to isme mainly atlas hi hota hai jo nodding deta hai. Nodding mean mundi hilana, matlab yun sir ko hilana jo hai, up and down, not rotation right and left. There is no rotation due to the absence of axis. That is a second vertebra present in some vertebrate like in me as a human being, so I can rotate my neck due to the presence of that axis, the second cervical vertebra. So the इसी तरह इसमें next देखें तो sacral vertebra होते हैं. Sacral vertebra जो है वो pelvic region के होते हैं, abdominal vertebrates भी होते हैं इसमें. खैर sacral vertebra जो है वो pelvic vertebra, last trunk vertebra जो होते हैं उसे sacral vertebra कहते हैं. और इनके अंदर जो है हम देखते हैं कि अपर प्री सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं और एक पोस्ट सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं. जो पोस्ट सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं यानी सेक्रल से बिल्कुल नीचे होते हैं, वो फ्यूज होते हैं और वो मिलके एक लॉन्ग जो है पॉइंटेड बोन बनाते हैं, फ्यूज बोन बनाते हैं, जिसे यूरो स्टाइल बोलते हैं. तो वो यूरो स्टाइल भी इसमें प्रेजेंट है. स्टर्नम प्रेजेंट इन सम केसेस बिकॉज इट सपोर्ट द इंटीरियर वेंट्रल ट्रंक रीजन एंड सपोर्ट द फोर लिम्ब and also protect the internal organs. जो sternum है उसके ये चंद एक role है. It is reduced or absent in anurans, यानी frog और toads में ये या तो reduce होगी ना होने के बराबर और या ये absent होगी. Like this is a skeletal system of frog. So in this case this is a skull and the first vertebra cervical, only vertebra cervical vertebra. Here is the presence of these are the thoracic vertebra, abdominal vertebra, or there is the presence of sacral vertebra. But the last sacral vertebra, post sacral vertebrae are fused with each other and they form a long tube-like structure. This is called as the urostyle. So here are the other structures. It consists of the forelimb and hind limbs. The forelimb consists of humerus, like in case of the human being, this is the humerus. Just like the humans, this vertebrate also contain this humerus. Then the further division is the radio ulna.
एंड इज द प्रेजेंस ऑफ कार्पल्स. कार्पल्स जो है वो रिस्ट बोन्स होती हैं, देन मेटाकार्पल्स लाइक द पाम बोन्स एंड द फ्लेंजिस, दीज आर द डिजिट्स. सो द नियर वन इज द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक गर्डल, दिस इज द पेल्विक गर्डल दैट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोस्टाइल एंड सराउंडिंग बोन्स इलियमिशियम बोन्स जो है वो इसमें भी प्रेजेंट होती हैं. द लार्जेस्ट बोन इज द फीमर, फीमर टू द नेक्स्ट वन इज द टिबियो फिबुला, देन द एंकल बोन आर द टार्सल्स एंड द सोल बोन्स आर कॉल्ड मेटाटार्सल एंड द लास्ट वन आर द फ्लेंजिस. सो पेंडिकुलर स्केलेटन जो है ओरिजिन ऑफ बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट appendages is not precisely known, but there is some similarities that is present between the amphibians and sarcopterygian fishes skeleton. So joints, joint at shoulder, hip, elbow, knee, wrist and ankle allows the freedom of movement and better contact with the substrate. यानी ये थोड़ी सी developments हैं जो खास तौर पे amphibians के अंदर देखी गई हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों के जो joints हैं वो free movement देते हैं. Pelvic girdle, ilium, ischium और pubis जैसे human being हैं या दूसरे vertebrates हैं इनके अंदर भी तीन bones present होती हैं. The next one is about the bones which are present in all tetrapod but not fishes are important for support on land. तो ये वो bones हैं ilium, ischium और pubis हैं जो फिशेज में नहीं होती, पेल्विक बोन्स हैं, लेकिन अब बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में हैं क्योंकि सपोर्ट लैंड पे सपोर्ट सपोर्टिव स्ट्रक्चर यही है. अगेन ये स्केलेटन है और यहाँ पर ये फ्रंट ऑपरेटल रीजन है, मैक्सिला द अपर जॉ ऑफ द अपर जॉ ऑफ स्केलेटन, द फर्स्ट वर्टिब्राइट इज नोन एज एटलस, देन द क्लेविकल बोन दैट इज अ शोल्डर बोन, देन द कोराकोइड प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज द ब्लेड बोन, ब्लेड बोन दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैपुला and humerus, radio ulna, metacarpals, carpals, flanges, as I already discussed. So this is the urostyle. The prominent bone, this is a post-sacral vertebra that is fused, that shows a fused vertebrae fusions. So ye aaja the skeleton tetrapods hai, inke andar both appendages mein bahut sari developments hai, bahut sari mode of articulation bahut zyada hai, वे ऑफ आर्टिकुलेशन बहुत ज्यादा हाई रेट पे है जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ तरह की लोकोमोशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन इन सेलेमेंडर, सेलेमेंडर जो है इट शोज अंडुलेटरी मूवमेंट दैट इज अ ज़िगज़ैग मूवमेंट, जैसे आप स्नेक के अंदर देखते हो तो ज़िगज़ैग मूवमेंट शो करती है सेलेमेंडर, जबकि टेरेस्ट्रियल सेलेमेंडर जो है वो उसमें पैटर्न ऑफ लिम्ब एंड मूवमेंट इन विच ऑल्सो मूव बाय पैटर्न ऑफ लिम्ब एंड बॉडी मूवमेंट्स इन विच द अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ अपेंडिजेस, यानी एक साइड पे जो है वो बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके मसल दूसरी साइड के मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो इस तरह से ये लोकोमोशन शो करती है. लोकोमोशन इन सिसिलियंस इट शोज अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट, अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट, अकॉर्डियन इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट मूव लाइक दिस एंड दिस इज यूज फॉर अ मूवमेंट. सो सिसिलियंस बिकॉज दीज दे आर लिम्बलेस, लिम्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते, तो वो फिर जो है वो अकॉर्डियन जैसे अर्थफॉर्म मूव करता है वैसे मूवमेंट शो करते हैं. लोकोमोशन इन एनुरांस जैसे फ्रॉग जो है वो कैसे लोकोमोशन करता है, देयर द मल्टीपल फ्रॉग जो है वो वॉक भी कर सकता है, वो जो है उसके अंदर देखा जाता है कि स्विमिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं. खासतौर पर इनमें डॉर्सल बोन ऑफ पेल्विस जो है लाइक इलियम एक्सटेंड एंटीरियरली एंड सिक्योरली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम, इलियम जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है, और इस तरह यूरोस्टाइल जो एक्सटेंड पोस्टीरियरली, दूसरी तरफ यूरोस्टाइल पोस्टीरियरली पेल्विस पे अटैच होती है जाके, जबकि इलियम जो है वो एंटीरियरली जाके वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होती है, जिसकी वजह से लोअर जो पेंडिकुलर स्केलेटन है उसकी फ्यूजन होती है, आपस में वो अटैच रहते हैं. द स्केलेटल मॉडिफिकेशन स्टिफन्स अप पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एनुरांस, लॉन्ग हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द हाइंड लिम्स आर द लोअर लेग्स, और यू कैन से दैट इनके अंदर जो है ये काफी इलोंगेटेड होते हैं, लार्ज लेग्स होती हैं, जबकि फ्रंट लेग्स होती हैं, फोर लिम्स जो है एनुरांस में वो छोटी होती हैं, तो वो जो है वो पावरफुल मसल्स रखते हैं, और वही जो है वो एफिशिएंट लिवर सिस्टम, जैसे लिवर सिस्टम वर्क करता है बिल्कुल वैसे ही वो जंपिंग करते हैं. सो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स हैं जो कि पेक्टोरल गर्डल और वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं और वो जो है वो लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द जंपिंग मूवमेंट इन केस ऑफ फ्रॉग. Okay, so frog is ready to jump. This is the topic of today, and the topic name was locomotion, sport and movement and locomotion in amphibians. So tab tak ke liye ijazat dijiye, inshallah kal hum next ek video ke sath hazir honge. Allah Hafiz.